हाँ दोस्तों, क्या हम इतने दरिंदे बन चुके हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब चुप बैठे हैं? तो प्लीज़, आप जो भी यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, उन सब में शेयर कीजिए और अपनी दिल की बात जो ये गुनाह हुआ है उसके बारे में शेयर कीजिए कि 8 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी ये हुआ है, तो इसके बारे में जो कुछ भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए दोस्तों। मेरे से तो जितना भी हो सका दोस्तों मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी कीजिए इस 8 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से उन दरिंदों को दोस्तों सजा सुजा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, उनको डायरेक्टली मौत होनी चाहिए, वो भी सब लोगों के सामने, और इतनी भयंकर मौत होनी चाहिए कि वो बुरी कदर मतलब तड़पड़ाएँ और मरने की इच्छा जाहिर करें, मगर उनको वो मौत भी नसीब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो आप जैसे कि पढ़ रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की चर्चित कठुआ कांड में अब 8 साल की मासूम बच्ची के पिता का बयान सामने आया है। उन्हें कहा है कि मैं हर रोज़ अपनी बेटी को याद करता हूँ। दोस्तों देखिए, वो बेचारा बाप कितना तड़प रहा होगा कि अभी भी उनको कातिलों को सजा नहीं है। उसकी हत्या के जो लोग भी कसूरवार हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से फांसी में ही लटकाना चाहिए उनको, चाहिए बहन के लोगों को। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि कठुआ निर्भय परिवार वाले डर के मारे रसाना छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए। दोस्तों ये एक अफवाह उड़ाई जा रही है उनके बारे में, वो डर के नहीं है, वो सर उठा के जी रहे हैं, मगर वो जी भी नहीं सकते सर उठा के। क्यों? क्योंकि उन कातिलों को अभी तक सजा ही नहीं मिली दोस्तों। तो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ देखिए ये न्यूज़, ये पूरी स्टोरी पढ़िए। मैं आपके लिए अपने सामने ये स्टोरी लाया हूँ, इस स्टोरी को पढ़िए दोस्तों और जितना हो सके शेयर कीजिए। कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही हरामजादे लोग हैं जो ये ऐसे कांड करते हैं, इनको तो बहन के लोगों को तो मैं समझ नहीं आती कैसे परिवार से होते हैं और कैसे लोग होते हैं ये बहन के, जो इनको ऐसी शिक्षा मिलती है, ये उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ये ऐसी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा हो सके फैलाइए, कम से कम उस लड़की को एक, अब तो हम उसको जिंदा तो नहीं कर सकते दोस्तों, मगर ये है कि हम इंसाफ कर सकते हैं। हम सबको एक होके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है दोस्तों, तभी जाके कुछ होगा। तो जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मैं चाहता हूँ कि आपको हर लोगों को ये बात पहुँचे। और आजकल सोशल मीडिया में भी अगर हम किसी चीज़ को फोर्स करें या एकजुट होके इस बात को आगे बढ़ाएं तो लोग ये बड़े अफसरों तक बात पहुंचेगी दोस्तों, और वो उनको कदम उठाने में मजबूर करेगी। तो हम लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए दोस्तों। बाकी जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं वो आपने काफ़ी शेयर की होगी, तो दोस्तों इसको शेयर करने में कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको, तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों। मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़काजी। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी ये वीडियो को शेयर करें, भला ये वीडियो शेयर नहीं करें, मगर अपने तरीके से कैसे भी शेयर कीजिए, ये बात ऊपर के लोगों को पहुँचे। किस तरह से भी आप अपने यारों दोस्तों को किस तरह से भी ये बात कह के उनको बोलो कि शेयर की, तो आवाज़ उठाए उनकी तरफ से। तो आपको देखिए आप पढ़ लो दोस्तों, मैं आपके लिए भी आगे और भी जो मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मैं भी पूरा शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इसी की फैमिली को बहुत हेल्प होगी।